चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कि उनका राशन पानी जो है ना, वो अगर रात दिन उसकी तकवाही ना करे तो सब एक भी दाना उनके घर में नहीं आने वाला है। हमने 2.5 बीघा धान बोए थे, दाना भी नहीं, एक दाना नहीं मिला। जो काम सरकार ने किया कोई नहीं किया, लेकिन यही साढ़ से आदमी परेशान, किसान तो एकदम मर गए। यहाँ से तो भाजपा नहीं आने वाली सर, यहाँ से काहे मतलब इतनी नाराजगी क्यों है? यही है सबसे बड़ा, जब हमको खाने को ही अनाज पानी, हम जो मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में, हमको मिलता ही नहीं है। ये जानवरों से सबसे बड़ी मुश्किल हमको जानवर है। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, 5वें चरण के लिए मतदान होना है, अभी 3 चरण बाकी हैं। और ये जो 3 चरण हैं, ये वो बेल्ट है जहां पर किसान प्राथमिकता पर हैं, जहां पर किसानी बेल्ट कही जाती है। पूर्वांचल में अब चुनाव होने हैं। हम इसी कड़ी में आज प्रयागराज के ये श्रृंगवेरपुर जो मार्ग है, ऐतिहासिक है, वहां का गाँव है ये डहरपुर है दादा, डहरपुर बांधपुर गांव है ये, प्रयागराज से लखनऊ हाईवे से सटा हुआ है ये, थोड़ा अंदर जाएंगे बाईपास श्रृंगवेरपुर मार्ग पर है, अच्छा गंगा एक्सप्रेसवे भी है। तो जा रहे थे तो गांव वाले ऐसे, हम लोग भी रुके तो बात करने लगे कि क्या गांव के जानवर, खेती किसानी का क्या हाल है। तो पता चला गाँव वाले बड़े नाराज हमें दिखाई पड़े, अब इनसे ही पूछ लेंगे। भैया क्या नाम है? सर हमारा नाम है राम आशीष सरोज। रामाशीष भाई, क्या मतलब जो आवारा पशु जिनको कह रहे हैं, छुट्टर पशु है, उनकी वजह से कितनी परेशानी है गांव में? सर आवारा पशुओं की वजह से सर यहां की जनता बहुत दुखी है। अच्छा। क्योंकि उनका राशन पानी जो है ना, वो अगर रात दिन उसकी तकवाही ना करे तो सब एक भी दाना उनके घर में नहीं आने वाला है सर। रात अच्छा। दिन मचान बना बना कर रात भर गश्त लगाते हैं 10-15 लोग ऐसा मिल मिल कर, तब सांड और गाय को भगाया जाता है। कहता था गश्त करे पड़ी टकट पर रहा। हाँ जी। अरे साहब बता तो रहे जौन है की सारी रात जौन है लेह लाठी और टार्च जौन है टहरत है जौन है कहा लड़का के दे ले। अच्छा। तब खाने को मिलता है जौन है कहा दी तो मतलब का हिंगे पर जानवर ज्यादा आवो थे का खेत वेत सब पूरा कितना नाश कर दे? 70-80 के झुंड यही सड़क से जाते हैं। अच्छा। सब ऐसा घूमते रहते हैं, सब निराश्रित पशु हैं, सब निराश्रित जौन है। अच्छा। जिधर मौका पाए गए उधर कूद गए, पूरा खेतवा खराब कर दी। जितना खेत है सब। तो कैसे बचावत हैं? अरे वही जो उन्हें 5 इंच का टार्च लिए जो उन्हें गाय लिए लाठी दौड़ा तही तार लगाए ही सही तरह बचाई था, और कैसे बचोगे? आपों का खेत खराब है? जी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। कितना आपका नुकसान? हमने 2.5 बीघा धान बोए थे, दाना भी नहीं, एक दाना नहीं मिला। अरे हाँ, एक दाना नहीं मिला, 4.5 डाइन बहु उठी वह वही थी। अब की गेहूं नहीं बोए, यही बरे वह परती रखे गेहूं नहीं बोए। अरे हाँ जी। तो फिर कैसे चले? फिर धान खराब हो गया, गेहूं बोए नहीं हो, चलेगा कैसे? ये जाए रात भी रात ताक है। तो फिर कैसे का जो जो सरकार दे रही 5 किलो उसे चलिए? अब साल भर कमा रहे हैं, ईटा गाड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसी में काम चला रहे हैं, और क्या? 5 किलो में पूरा थोड़ा हो जाए जी। 5 किलो ना लड़का का दे जाऊ ना कहा, मतलब 5 किलो में कहाँ पूरा हो? दिन भर सारे खा थे जो ना कहा थे, हम आप जो ना दो टाइम खा ली जो ना चला फुर्सत ही, लेकिन लड़का दिन भर खा थी जी, लेकिन पूर्ण नहीं पड़ा, पूर्ण नहीं होता। लेकिन यह की सरकार इतनी मदद तो कहीं नहीं आई जो ना कहा थी। नहीं, अब जैसे निराश्रित पशु की बात करें तो उसके लिए भी तो सरकार ने इंतजाम किए, तो वो नहीं है? कुछ नहीं है, कोई हल्का में, कोई डहरपुर में, मऊजा में कोई इंतजाम नहीं है। इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, चल रहे हैं, सब जानवरों के लिए कोई इंतजाम नहीं है सर, कोई भी इंतजाम नहीं है जानवरों के लिए, कोई इंतजाम नहीं है। नहीं। और ये जो झुंड आता है ये फिर आता कहाँ से, जाता कहाँ से, क्या है? बस ऐसे घूम रहे हैं, अपना जो एक एक के पीछे एक है? एक जिधर जाता है उसके पीछे 30-30, 40-40 नुकसान कर चुके होंगे अभी तक। कितना खेत नुकसान कर चुके हैं समझ लो, ये सैकड़ों बीघा खेत खराब हुआ रहेगा। ऐसे बाग के बगल बगल जितने खेती है सब बेकार है, सब देख लिए। 12 बीघा गेहूँ चढ़ गया है, 12 बीघा गेहूँ चड्डा है, वो नहर है 12 बीघा। हाँ जी, 7-8 बीघा का वहीं पे है सर, तो पूरा गेहूं बोया हुआ था, सब खा गए हैं, कोई एक भी पेड़ नहीं है उसमें। हाँ जी, बहुत परेशानी है, यही समझ लो सर। अब जैसे अब चुनाव आ रहे हैं तो ये सब की नाराजगी कहीं दिखाई पड़ेगी सरकार के लिए? आप लोगों को नाराजगी क्या? सरकारी इधर सर, इधर सरकार कोई आता ही नहीं है, बस ऐसे लोग आ रहे हैं,
आइए फिर। अरे कहाँ चले गए दादा, सही बात, अगर बंद करा दे। रुके रुके रुके, हाँ हाँ, कोई नहीं करा, जो काम सरकार ने किया कोई नहीं किया, लेकिन ये साढ़ से आदमी परेशान, किसान तो एकदम मर गए, किसान हो गए किसान, किसान आप जान से घूमो जो यहाँ सूरज के सामने आओ दादा ऐसे। हाँ अब बताओ, किसान जो ना बोल रहे हैं ना कि मतलब ये सरकार से हर चीज पसंद है, खुश है, लेकिन इस साढ़ से जो ना परेशान है। और हमारे सब लोग के का है, वही खेती तो है ना, खेती के अलावा कोई सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, अगर इसमें नहीं पैदा होगा तो हम लोग क्या खाएंगे, चार पैसा कहाँ से बचाएंगे, कहाँ से शादी ब्याह करेंगे, यही सब समस्या है। और क्या समस्याएं हैं, बिटिया की शादी, सब बच्चे, बच्चों की पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई तो अलग ही नष्ट हो रही है, पढ़ाई तो सब लॉकडाउन खा गए बच्चे लोग का पूरा, यही सब है जी। और कहा जमुना का सरकार 5 किलो राशन दे रही तो उससे आप लोगों का कहाँ पूरा होगा, आप ही समझिए जमुना है, आप तो किसान है, घर हुई है, हर घर में लड़के बच्चे होंगे, कम नहीं है, और उनका 5 किलो से कैसा पूरा होने वाला है सर, 1 महीना 5 किलो एक आदमी कैसा खा के जी जाएगा। आप लोगों ने अपनी बात यहाँ के विधायक से कही, यहाँ से कौन विधायक है, सपा वाला भाजपा वाला है, भाजपा ही है, तो भाग गया है कौन, विक्रमा जीत रहा था वहाँ हटा दिए वो लोगों को, नहीं तो वो भाग गया कि टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला उसको, तब दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, अब तब यहाँ पे जो नाराजगी है वो किसानों की वोट में दिखेगी कि नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी जी, यहाँ दिखेगी, यहाँ पूरा दिखेगा, नाराजगी दिखेगा और उसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आएगा। अच्छा, हाँ किसान परेशान बहुत है, यहाँ से तो भाजपा नहीं आने वाली सर, यहाँ से काहे काहे मतलब इतनी नाराजगी क्यों है, यही है सबसे बड़ा, जब हमको खाने को ही अनाज पानी, हम जो मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में, हमको मिलता ही नहीं है, ये जानवरों से सबसे बड़ी मुश्किल हमको जानवर है, इसका कोई इंतजाम नहीं है, इतना महंगा खरीद दिया कौन खरीद सकता है, खाद इतनी महंगी हो गया कौन खरीदेगा सर, अच्छा महंगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक यादव। अच्छा अभिषेक यादव हो, हैं तो यादव हो तो तुम्हें महंगाई नजर आ, ये नहीं बोले महंगाई, अरे अरे जो खरीद रहा है वही तो जानेगा। अच्छा आप खरीद रहे हो, पढ़ने जाते हो कि नहीं? कौन सी क्लास? अरे क्लास 8 में हूँ, कक्षा 8। अच्छा तो खेत तकते हो कि नहीं? अरे साहब 12-1 बजे तक जागी थी, आप कहाँ जाने, और तो आपको बता दी पेट्रोल पहले 50 रुपये में रहा, 100 रुपये का ही डाए हैं, तो तुम्हारा तो लाइसेंस बना नहीं होगा, तुमसे क्या मतलब? अरे हमसे नहीं बना है तो हमारे माँ बाप चलाते हैं, उससे काम होता है, यही महंगाई के कारण किसान कैसे काम चलाएंगे बोलो। अच्छा तुम खेतों में रखवाली किए हो? अरे साहब हमेशा रो तो इधर ही तरफ से झुंड आओ, हम लोग बहुत इधर उधर हाँ की करती। अच्छा हाँ, तो आपके घर में अगर मान लो कोई भी पार्टी वोट मांगने आती है तो क्या कहेंगे आप लोग, क्या मांगेंगे भाई, कोई भी पार्टी हो, हम ये कि नहीं कोई पार्टी नहीं, आपके यहाँ अखिलेश की लहर है, यहाँ जो है आपके सामने है, साल पार हटा दिए जमुना का आदि, जाए जो साल पार हटा दे, जाए जो सरकार रहा है जमुना का, वही से लोग परेशान है साहब, जो नौसर दुआरे में बंधी यहाँ है पणजिया, जैसे जानते हो पणजिया भैंस की पणजिया, उनके ऊपर साढ़ चार जाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, अगर ये जो है मतलब खेत अगर ये फसल खराब कर रहा है, फसल खराब करा तो इसकी भरपाई भी कुछ है कि नहीं है? इसकी क्या भरपाई है, इसकी कौन भरपाई है, इसको कौन पूछे कहाँ चट डायन कहाँ के है, कोई नहीं देता है, सरकार एक भी रुपए नहीं दे रही, जो फसल बर्बाद हो रहा है उसके नाम पर उन्होंने कितने पैसे पास किए पर एक रुपए भी नहीं मिला है किसी को, यहाँ वृद्धा पेंशन भी किसी को नहीं मिल रही है, ये कैसी सरकार है? नहीं ये हम अभी तो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की तो बात कर रहे हैं, एक चीज ये है कि जो जैसे किसानों की यहाँ पे बात हो रही थी तो जो आवारा पशु आ रहे हैं वो सरकार दावा करती है कि हमने तो देखिए गौ संरक्षण की बात कर रही है, गाय हमारी माता है, इस तरीके से बात कर रही है, लेकिन किसान बर्बाद हो रहा है, यहाँ एक भी गौशाला भी नहीं है, इनको इनको कम से कम 2 गौशाला यहाँ बनवाने चाहिए, इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हाँ अब हम लोग बहुत, जब कमाएंगे बहुत नुकसान नहीं, है, गौशाला नाम का तो यहाँ कुछ भी नहीं है सर, जिसमें उनको रखा जाए और जो रख उसकी रखवाली करे उसको खर्चा पानी मिलना चाहिए। सरकार कह तो रही थी कि निराश्रित पशुओं के लोगों ने घर बनाए हैं, वो आश्रय स्थल बनाए हैं, वो बने हैं यहाँ पे? कुछ नहीं, पहले पहले शुरू में बनाए थे उसमें सैकड़ों गाय रखे थे, लेकिन बाद में जब वो गाय और सांड के लिए जब चारा पानी कहीं से आया ही नहीं, कितने तो मर गई, और फिर उसको बाद में सब छोड़ दिए। अच्छा हाँ, सब लोग छोड़ दिया, सब रोड पे घूम रहे हैं, सब रोड पे घूम रहे हैं और खेती ऐसे नुकसान कर रहे हैं। वही गाय वही पकड़ते हैं जो बढ़िया दूध देती रही,
वहू का फिर जब दूध दूध दूह लें फिर वो का छोड़ दें फिर पकड़ लें यही काम रहन। ये समस्या है ये एक गांव की नहीं है ये हर मतलब जिस भी ग्रामीण इलाके में है उत्तर प्रदेश का किसान इसी वजह से परेशान है। मेरे पीछे आप सरसों गेहूं ये लहलाते खेत देख रहे हैं लेकिन उसके पीछे तमाम खेत ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि रात रात भर जगने के बाद एक जो आवारा पशुओं का झुंड है वो उनकी फसल को बर्बाद करता है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बुजुर्ग रात रात भर चौकीदारी कर रहे हैं। अब किसानों का यह गुस्सा वोट के ऊपर कितनी बड़ी चोट करेगा ये तो वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार।